Hey guys, what's up? ऐसी भयंकर बारिश कुवैत में बड़े टाइम बाद देखने को मिली है। सिर्फ बाहर बकाले तक गए थे कुछ सामान लेने व्रत का, तो बहुत भयंकर ज़बरदस्त बारिश। 10 मिनट तो गाड़ी में ही बैठे रहे अपनी पार्किंग में आके, कि सामान निकाल के ऊपर जाने में गीले हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बारिश, मज़ा आ गया। तो आज बनाएंगे पकौड़े और साथ में खाएंगे थोड़े से पराठे। पंजाबियाँ दी हो गई बल्ले बल्ले, बाकी सब कपूर थल्ले। तो यही है गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह मनीला से वापस आया, सो के उठा, फिर शाम को ऐसी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए निकले। सोचा तो था नया व्लॉग कल सुबह से शुरू करूँगा, तो मैंने कहा इतनी सही बारिश है, इतना बढ़िया मौसम है, तो मज़े करते हैं और कुछ पकौड़े शकौड़े खाते हैं। तो कल सुबह निकलेंगे, थोड़ा सा काम है ऑफिस का, एक हमारा तो यही रूटीन है। फिर देखते हैं कहाँ, अगर मौका लगा तो मैं सुबह जॉगिंग कर लूँगा, नहीं तो कल शाम को। तो मिलते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। तो मज़ा आया, कल क्या मस्त बारिश हुई और आज इतनी चटक धूप निकली हुई है। तो चलते हैं, अभी ऑफिस का काम ख़त्म करते हैं। तो ये लोग तो सुबह निकल गए थे, बस मैं उठा, छोटा मोटा ब्रेकफास्ट किया। बाहर कुछ खा नहीं सकते, रमज़ान चल रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं पी सकते, कोई अगर देख ले अच्छा नहीं लगता या कोई पकड़ ले क्या फ़ायदा। तो चलते हैं, ऑफिस का एक काम है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो एक अनरूली पैसेंजर था जिसको ऑफलोड किया था जब मनीला फ़्लाइट पे जा रहे थे, तो उसके एक फॉर्म में थोड़ी सी गड़बड़ है। कोई मेरे पास उसका पुराना वर्जन का फॉर्म था जो कह रहे हैं कि नया भरना है। मैं कहा चलो ऑफिस जाके भर देते हैं, तो आज छुट्टी है, ऑफ है, तो ऑफिस ये काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं आगे, बातचीत करते हैं। चलो आगे। आज घर से निकलते ट्रैफिक जैम हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली तो कोई एक्सीडेंट है या पुलिस की चेकिंग है, तो आगे जाके पता लगेगा। लेकिन पता नहीं, मैं 10 बजे अभी 10 बजे निकला हूँ, हो सकता है ऑफिस टाइमिंग जो लेट हो गया रमज़ान की वजह से, तो ये वो वाला रश हो, ये भी हो सकता है, गलती कर ली इस टाइम पे निकल के। थोड़ा आराम से 11-12 बजे भी जा सकता था। चलो देखते हैं अभी। गाइस अभी भी जाम है, आज का दिन ही ऐसा है, या रमज़ान की वजह से है या क्या है मालूम नहीं है। कुवैत में हॉर्न नहीं बजते हैं आज, सारी जगहों पे पैं 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 पैं, एक हॉर्न देना या अब्यूज़ माना जाता है, लेकिन इतना रश है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पैं 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 पैं। तो बढ़िया है, गर्मी भी बहुत हो रही है। चलो गाइस, व्हाट्स अप। तो इतना रश था सुबह, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और मैं वॉकिंग घर चला गया। अभी 1.5-2 घंटा घर बैठा हूँ, अब मैं आया हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा रश नहीं है, तो अब ऑफिस निकलने की करते हैं, क्योंकि ये रमज़ान में सबका एक ही टाइम कर दिया, स्कूल का और ऑफिस का। तो मैं भी सुबह जल्दी उठ गया और टाइम कहाँ पे, मैं भी निकल लूँ भाई, इतना टाइम है, आके आराम से रिलैक्स करेंगे। लेकिन अभी भी जाम लग रहा है उस तरफ, तो आई डोंट नो, चेक करता हूँ। ये देखो, दिखाता हूँ आपको, भाई बहुत जाम है, अभी भी नहीं निकाल रहा गाड़ी में। अभी देखो कपड़े बदल के घर से आ गया दोबारा, फिर भी यही काम है। तो मैं सुपरमार्केट का काम निपटा लेता हूँ, कुछ दूध दही वगैरह ख़रीदना है तो वो ख़रीदते हैं। तो मैं आधा घंटा और वेट करूँगा, अभी बज गए हैं 11:30, तो मैं 12 बजे तक वेट करूँगा, क्योंकि हम मोस्टली ऑफिस 3 बजे तक होते हैं, तो 12 बजे मिड टाइम हो जाएगा, जिन्होंने पहुंचना है वो पहुंच जाएंगे और जिन्होंने ऑफिस से निकलना है वो भी निकले नहीं होंगे, तो वो टाइम ज़्यादा ठीक रहेगा। तो तब तक मैं अपनी थोड़ी सी करता हूँ शॉपिंग और उसके बाद फिर ऑफिस का काम निपटाते हैं और फिर आगे देखेंगे क्या रूटीन है आज का। आज ऑफ है तो कोई काम नहीं है, तो मेरे लिए तो आज ही संडे है, आज ही छुट्टी है। चलो देखो गाइस, इतनी बारिश हुई है कि जैसे अभी एक जगह यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, वो गाड़ी भी है, टायर डूबे हुए हैं, वो निकाल नहीं सकता। तो कल इतनी बारिश हुई है रात को, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो मैं पहुँच गया हूँ सुपरमार्केट सालमिया कोऑपरेटिव, तो यहाँ करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। तो गाइस बुरा फंसे आज ट्रैफिक में, गूगल बाबा भी एयरपोर्ट पहुँचने में 1 घंटा बता रहे हैं, तो इतना जाम है समझ लो, जो मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है रोज़ जैसे मैं आता जाता हूँ, तो अभी आधा रास्ता कवर किया है, तो अभी 37 मिनट्स दिखा रहे हैं जैसे।
ये हुआ है कल रात को जो मैंने बताया, जो आपको दिखाया, इतनी भारी बारिश हुई है। ये पूरे विंटर सीजन की पूरी मतलब सबसे हैवी बारिश हुई है और कई इलाकों में मतलब आसपास ही 55 मिलीमीटर रेन या जैसे भी जो भी बोलते हैं 44 मिलीमीटर या 44 सेंटीमीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ऐसी हैवी रेन हुई है कि पूछो मत। तो कई सड़कें इन्होंने कर दी हैं बंद, जिस वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट्स हो गए हैं कई रोड पे और इस वजह से सब जाम लगा हुआ है। तो अब मैं निकल गया हूँ तो एक बार काम तो ख़त्म ही कर लूँ, क्योंकि अब मैं आधे रास्ते वापस मुड़ूँगा फिर मैं कहीं जाम में फंसूँगा, तो बेटर है काम ख़त्म करें, सही है ना। Hey guys, what's up? Good evening. तो अभी हम निकले हैं शहर पे। आज तो कमाल ही हो गया वैसे, एक जरा सा काम था सुबह दिखाया, जैसे 10 बजे निकला रास्ते में इतना ट्रैफिक, एक जगह गाड़ी लगा दी, घर वापस पैदल आ गया, फिर कोऑपरेटिव चला गया, 11:15 घर से निकला और कोऑपरेटिव चला गया कि चलो अभी भी रश है, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। थोड़ा बहुत घर के आसपास कम लग रहा था तो मैंने कहा चलो चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करी बाहर मेन रोड तक पहुँचते तो बुरी हालत हो गई, और वहाँ पे जो 15 मिनट का रास्ता है मुझे ऑफिस का 2.5 घंटे लगे। और ठीक है, ऑफिस में फटाफट 20 मिनट में काम ख़त्म कर लिया, 2 बजे वहाँ से चला मैं और घर पहुँचा हूँ मैं कोई 3:30 के आसपास। और ये लोग भी फंसे पड़े थे ट्रैफिक में, कविन मेरे से 10 मिनट पहले आया है और ये तो मेरे कम से कम आधे घंटे बाद आई है। तो ये पहली बार कुवैत में हुआ है, ये एक बारिश का कमाल है, क्योंकि कल 55 सेंटीमीटर बोलते हैं मिलीमीटर बोलते हैं पता नहीं, मैं तो मेरे को खुद नहीं पता, जो भी 55 मिलीमीटर या सेंटीमीटर जितनी भी होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, जो भी मेजरमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए बहुत बारिश हुई कल यहाँ पे, सब हाल खराब हो गया, सब सड़कें कहीं बंद करनी पड़ गई। तो बस अभी सैर वैर करते हैं और कुछ प्लान है? कुछ प्लान नहीं है, घर आके खाना खाना है, व्रत रखा है, इसने व्रत रखा हुआ है तो व्रत का खाना खाएगी और कुछ स्कूल का काम करेगी, नया सेशन शुरू हो रहा है तो लिस्टें बहुत बनानी है। और मैं कविन के साथ बैठ के गेम खेलूंगा, कल पबजी खेली थी 2 गेम। सबसे फ्री तो तुम और कविन ही हो, मैंने देखा है वैसे। तो हम पबजी खेलेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, कल भी ऑफ है, बस सो जाएंगे। तो गाय ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए और पता नहीं क्या क्या कीजिए।